हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिल्ली के मशहूर राम के लड्डू, जिसको दाल के लड्डू भी कहते हैं। अगर आपने कभी भी इसको टेस्ट किया होगा तो आपको पता होगा कि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और जिसने नहीं खाया होगा एक बार मेरी तरफ से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो ये गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी लगती है, और मूली के लच्छे और हरी चटनी के साथ इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब लगता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी ज़रूर। तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दिल्ली के राम लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है मूंग की दाल और चने की दाल की। तो मूंग की दाल और चने की दाल को हमें बराबर मात्रा में लेना होता है। तो मैंने आधा कटोरी मूँग की दाल और आधा कटोरी ही चने की दाल ले ली है। अब इन दोनों को अच्छे से धुल लिया है, और धुल करके पानी के साथ इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिंगो करके छोड़ दिया है, जिससे ये अच्छे से फूल जाएगी। अब लगभग 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने इसके पानी को निकाल दिया है। अब हमें इसको पीस लेना है। तो पीसते वक्त आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसको दरदरा पीसना है, इसको बिल्कुल महीन हमें नहीं करना है। और ये भी ध्यान रखिए कि इसमें हमें पानी नहीं डालना है, कम से कम 1 चम्मच आप पानी इसमें डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये पानी पानी हो जाएगा, और छानते वक्त आपका अच्छे से शेप नहीं आएगा और टेस्ट भी वैसा नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए पानी आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। तो ये देखिए हमारी दाल पीस करके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं लगभग 1 चम्मच नमक, और इसके बाद डाल देंगे लगभग 1/4 चम्मच हम हींग, और लगभग 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी को दोनों हाथों से मसल करके इसमें डाल देंगे। अब हम इस सबसे मेन पार्ट इसका करना है कि इसको अच्छे से फेंटना है। तो दालों को जब भी हम कुछ बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसको बहुत ही अच्छे से फेंटना होता है, और ख़ास करके ये राम लड्डू बनाते वक्त आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसको बहुत ही अच्छे से फेंटें, तभी आपके लड्डू अच्छे से हल्के बनेंगे। तो ये देखिए मेरे दाल अच्छे से फेंटे जा चुके हैं। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, और इस लड्डू में यूज करने के लिए हमें हरी चटनी तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो लगभग मैंने 1 मुट्ठी ले लिया है पुदीना, 1 मुट्ठी ले लिया धनिया के पत्ते, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक, सादा नमक और काला नमक। तो हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। 1/2 चम्मच इसमें डाल दिया भुना हुआ पिसा हुआ जीरा, और 1/2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल देंगे। तो ये चटनी थोड़ी सी खट्टी बनती है, तभी ये अच्छी लगती है। और इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम अच्छे से पीस करके चटनी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब लड्डू के ऊपर डालने के लिए मूली के लच्छे तैयार कर लेते हैं। तो इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, हमें मूली ले लेना है और इसको कद्दूकस कर लेना है। तो बिल्कुल हमें छोटा कद्दूकस पे इसे नहीं करना है, जो बड़े साइज़ का कद्दूकस कर होता है उस साइड से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। तो ये देखिए हमारे मूली के लच्छे भी तैयार हो चुके हैं। अब चलिए हम लड्डू अपने छान करके तैयार कर लेते हैं। तो बाकी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, अब चलिए हम अपने लड्डू छान करके तैयार कर लेते हैं। तो छानने के लिए मैंने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और इसको लगभग 1 मिनट के लिए दाल को हम फिर से फेंट लेंगे। अब हम हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाते हुए और इसको गोल शेप देते हुए तेल में डालते जाएंगे, और इसको धीमे आंच पे कम से कम 5 से 7 मिनट आपको लगेंगे इसको छानने में। तो इसको अच्छे से गोल्डन कलर का हमें छान करके निकाल लेना है। तो ये देखिए पहली बार के हमारे लड्डू बिल्कुल बनकर के तैयार हैं। और इसी तरीके से हम बाकी दालों का भी लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए हमारे सारे दाल के लड्डू बन करके तैयार हैं। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो सबसे पहले हम लड्डू को नीचे रख देंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे मूली के लच्छे,
तो आपको जब भी ये खाना हो आप इसको गर्मा गर्म ही बना करके तुरंत सर्व करें, तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे मूली के लच्छे और इसके ऊपर डाल देंगे हम हरी चटनी। तो एक बार आप ज़रूर इस तरीके से इस दाल के लड्डू को बना कर ट्राई कीजिएगा घर पे। घर पे ही आपको इसका स्वाद बहुत ही अच्छा बन करके मिल जाएगा, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे दाल के लड्डू तो बन करके तैयार हैं और उम्मीद करती हूँ आप भी ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे। और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।